तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर पूरा होने वाला है दोस्तों, लेकिन पूरा होने से पहले भी अभी भी आप इनकम टैक्स में छूट का पूरा लाभ ले सकते हो दोस्तों। इन फंड में निवेश करके बचा सकते हैं बहुत सारा इनकम टैक्स। तो कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से तरीके हैं, चलिए देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ूँ से पहले बता दूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा, घंटी वाला बटन जरूर दबाना। साथ में दोस्तों चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर, जी हाँ चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या उत्थान योजना, बैंकों से जुड़ी हुई योजना के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी हुई है, जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों, बेस्ट तरीका पीपीएफ। पीपीएफ अगर आपने अभी तक पर्याप्त निवेश नहीं किया है तो आपके सामने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश को देना चाहिए। इस फंड में आप 1.5 लाख रुपये तक का सालाना निवेश कर सकते हैं और सेक्शन 80C के तहत प्राप्त छूट की पूरी सीमा का लाभ उठा सकते हैं। और ये 1.5 लाख रुपये एक साथ जमा भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं किया है तो। दूसरी ओर इस पर अन्य सेविंग स्कीम की तुलना में बेहतर ब्याज मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बारे में आप अगर देखना चाहते हो तो वीडियो और भी है पीपीएफ के बारे में, मैंने बना रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें निवेश ब्याज मैच्योरिटी अवधि पर प्राप्त धनराशि पर किसी भी तरह का टैक्स दे नहीं होता है, तो बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है पीपीएफ। दूसरा विकल्प है एनपीएस। इस फंड में भी 50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है एक्स्ट्रा, जी हाँ, जो 1.5 लाख रुपये की 80C के तहत छूट मिलती है उसके अलावा एनपीएस में 50,000 रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और बहुत अच्छा विकल्प है एक तरह से इनकम टैक्स बचाने का दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई वैकल्पिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तीसरा विकल्प है दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने अभी तक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इसे ज़रूर लेना चाहिए, कोविड-19 के इस काल में काफ़ी अहम है। साथ ही इस पर टैक्स में अलग से छूट भी मिलती है, सेक्शन 80D में आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है और साथ ही दोस्तों 25,000 रुपये तक की छूट पति पत्नी बच्चे के लिए कराए गए मेडिकल इंश्योरेंस पर भी मिलती है। साथ ही अगर आपने अपने माता पिता के नाम से मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको अतिरिक्त 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है दोस्तों। चौथा विकल्प दोस्तों, और उसके साथ और भी विकल्प है, जैसे कि निवेश और जीवन बीमा को अलग अलग निवेश करना चाहिए, यह नहीं कि जीवन बीमा को साथ में लेकर निवेश का आपका ऐसा होता है कि आप शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं और उसका रिफंड आपको मिलता रहता है, और जीवन बीमा लाइफ टाइम के लिए होता है दोस्तों, जिसपे आपके न रहने पर भी आपके परिवार का सहारा बना रहता है। पीपीएफ के जरिए मिल रहे बेनिफिट्स का अधिकतर लाभ उठा लेना चाहिए जितना लाभ मिलता है, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बता रखा है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पर दे जीएसटी पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है। साथ ही अगर आपने इस वित्त वर्ष में नया फ्लैट या मकान खरीदा है तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। तो इतने सारे विकल्प आपके पास मौजूद है, तो फटाफट सारे विकल्पों में से कोई बेस्ट विकल्प लीजिए और अपने इनकम टैक्स को बचाइए। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।